हेलो दोस्तों, आज मैं अपनी गाड़ी को जो है वॉश करवाऊंगा, वॉशिंग स्टेशन पर लेकर आया हूं मैं। देखता हूं दोस्तों गाड़ी धोने के बाद कैसी लगती है और अभी कैसी लग रही है, आप देख सकते हैं। और गाड़ी जब पूरी तरह धुप जाएगी, इसकी सर्विस हो चुकी है, फिर देखेंगे कैसी लगेगी। तो अभी सफाई हो रही है दोस्तों, पहले अंदर से साफ की जा रही है, उसके बाद जो है ऊपर से साफ की जाएगी। अंदर भी वैक्यूम क्लीनर से हम साफ करवाएंगे इस गाड़ी को। इस साइड जो है ट्रैक्टर वॉश किया जा रहा है दोस्तों, सोनालिका ट्रैक्टर पर बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी थी, लेकिन अभी जो ट्रैक्टर है पूरा साफ कर दिया गया है। बहुत अच्छी वॉशिंग की है इन्होंने। उसके बाद अभी वैक्यूम क्लीनर से मेरी गाड़ी को साफ किया जा रहा है। साफ चाहिए अंकल, साफ चाहिए गाड़ी, साफ चाहिए, साफ बिल्कुल गाड़ी ना, हाई ग्रेड करवाने वाली है। हाँ साफ मिलेगी ना, बिल्कुल एक नंबर है अंकल। हम एक दिन लोड है उड़े चल रही है दोस्तों गाड़ी की। नूर कार वॉश फतेहाबाद। अंदर से वैक्यूम क्लीनर से साफ कर दिया है, अब दोस्तों पानी से साफ की जा रही है गाड़ी को। और देख सकते हैं आप पहले गाड़ी कैसी लग रही है और धोने के बाद कैसी लगेगी, कितनी चमक इस गाड़ी के अंदर आएगी। प्लैटिनम गोल्ड है, प्लैटिनम ब्लैक प्लैटिनम कलर है दोस्तों। ये देखते कितना चमकता है ये कलर। गाड़ी हालांकि पुरानी है, लगभग 11 से 12 साल पुरानी गाड़ी है, फिर भी ऐसा माना जाता है कि प्लैटिनम ब्लैक कलर जो है उसकी चमक नहीं जाती कभी भी, उसको जितना आप धोगे उतना निखरेगा। तो देखते हैं दोस्तों गाड़ी धोने के बाद कैसी लगती है और अभी कैसी लग रही है।
कैसी लग रही है, अलग ही डिजाइन आ गया गाड़ी का। सरदार जी अंकल है, बोले फॉर्म वॉश कितना है, डैडी ने बखाना कितना लगेगा। ठीक है, फॉर्म वॉश की धुलाई हो रही है। बहुत अच्छे से धो रहे हैं अंकल जी। गाड़ी के अंदर एक अच्छी चमक आई है गाड़ी के अंदर। होम वॉश का कमाल आप कह सकते हैं।